हो सकते हैं। एक बात और आजकल मीडिया में आ रहा है, जो तबलीग जमात के जो हेडक्वार्टर्स में दिल्ली में जो हुआ, जो लोग दिल्ली गए या बाहर के राज्य के जो तबलीग जमात के लोग हिमाचल आ रहे हैं, इसके बारे में मैं ये बात स्पष्ट करना चाहता हूं, जो 17 लोग जो निजामुद्दीन गए हैं वो वहीं पे है और क्वारंटाइन में है और वो सेफ भी है, उनको कोरोना वायरस का कोई सिम्टम भी नहीं है। और जो इसके रिलेटेड जो भी दिल्ली गए हैं मार्च महीने में, उन सबको क्वारंटाइन किया है वो 190 लोग हैं। जो नेरवा में जो हमने क्वारंटाइन किया, वो अखबार में लिखा है कि वो निजामुद्दीन से आए, वो निजामुद्दीन से नहीं आए, वो मिसर वाला सिरमौर से आए हैं और उनको भी क्वारंटाइन में रखा गया है। इस वक्त किसी तरह का समस्या नहीं है। एक बात मैं और आम जनता को बताना चाहता हूं, हिमाचल प्रदेश 19 तारीख को ही फॉरेन टूरिस्ट और डोमेस्टिक टूरिस्ट को हिमाचल आने से रोक लगाई थी। इस कारण से हम अबाउट 600 व्हीकल्स जो परवानों से ही वापस किया था और यात्रियों को भी हिमाचल आने नहीं दिया था। और जो तबलीग जमात के जो लोग बाहर राज्य से जो हिमाचल आने का प्रयास कर रहे थे या आने लगे थे, उनको भी बॉर्डर से ही वापस किया था, जो आए हुए थे उनको वापस किया गया था। इस कारण से हिमाचल में इस तरह का कोई समस्या नहीं है। हिमाचल सरकार ने सबसे पहले खड़ी कदम उठाई है। मैं मुस्लिम बंधुओं से अनुरोध करना चाहता हूं कि वे फ्राइडे नमाज मस्जिद में ना करें, अपने घर में रहे, घर में ही करें। और किसी भी धर्म का रिलीजियस कॉन्ग्रीगेशन हम कर्फ्यू पीरियड में अलाउ नहीं कर सकते हैं, और ये कर्फ्यू पीरियड कर्फ्यू का वायलेशन रहेगा। और सभी धर्म के प्रति मुझे पूर्ण रिस्पेक्ट है और पूरा भारतवर्ष जो है सर्वधर्म समद्भाव के लिए दुनिया में प्रसिद्ध है। एक बात मैं और कहना चाहता हूं, हमारे संविधान के 51H के मुताबिक जो है साइंटिफिक टेंपर डेवलप करना और जो इंसानियत को बढ़ावा देना और अपने आप को सुधारना, समाज को सुधारना साइंस के आधार पर, वो हर एक नागरिक का कर्तव्य है। ये फंडामेंटल ड्यूटी है और ये कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। और अफसोस की बात है कि हमारे देश में ज्यादा लोग जो है वो इसको फंडामेंटल राइट्स को जानते हैं, बहुत कम लोग जो है फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में जानते हैं। तो मेरा इतना ही कहना है कि किसी भी धर्म का आचरण जो है वो साइंस के आधार पर होना चाहिए। अगर वो साइंस के विपरीत है तो साइंस को ही फॉलो करना चाहिए। ये जो लॉकडाउन पीरियड है ये साइंस के आधार पर, एक्सपर्ट्स के एडवाइस के आधार पर, और ये वैश्विक बीमारी को भारतवर्ष में रोकने के लिए लॉकडाउन किया गया है और इसका पालन करना हर एक